नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक नई शुगर फ्री स्वीट रेसिपी, शाही कटलेट, जो आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बनाने की सामग्री: बादाम, काजू, गुड़, प्लेन खजूर, इलायची, घी और ब्रेड। अभी हम काजू, बादाम, प्लेन खजूर को बारीक चॉप करेंगे और इलायची को कूटकर उसका पाउडर तैयार करेंगे। अब हम एक बाउल में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिल जाने चाहिए और अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम एक ब्रेड लेंगे और चाकू से उसके चारों कॉर्नर्स को काट लेंगे। इसी प्रकार सभी ब्रेड्स के कॉर्नर काट लेंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइस को एक बाउल में रख देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम घी डाल देंगे। घी मेल्ट होने देंगे। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये घी मेल्ट हो रहा है। अब ये घी मेल्ट हो गया है। अब हम स्लाइस लेंगे। स्लाइस को एक बाउल में पानी में डिप करेंगे और उसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे प्रेस करके। अब ब्रेड में से पानी निकल गया है पूरा। अब जो मिश्रण हमारे पास तैयार है, हम उसे उसमें ब्रेड में रखेंगे और उसको गोल करके उसको थोड़ा शेप देंगे, कटलेट्स का शेप देंगे। कटलेट की तरह अच्छे से उसे है ना मिक्स मिलाना है, अच्छे से उसको गोल करके गोल शेप देना है, कटलेट जैसा शेप देना है हमें उसे। और उसे उंगली की मदद से हाथ से प्रेस करके कटलेट का शेप देंगे। ऐसे बाकी और भी कटलेट्स हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब हमारे ये सभी कटलेट्स रेडी हैं। अब इसे हम घी में फ्राई करेंगे। अब आप देखिए ना फ्राई हो रहे हैं। अब इन्हें पलटेंगे हम। अब ये देखिए, आप पलटने के बाद इनका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब हम इसे ब्राउन होने तक इसी तरह फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, आप इसका कलर भी बदल गया है, इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब हमारी ये कटलेट्स रेडी हैं। अब हम इसे बाहर निकालेंगे कढ़ाई से। अब हमारे और भी कटलेट्स हम इसी तरह फ्राई करेंगे। सभी कटलेट्स को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम गज को प्री हीट करेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद उसे चमचे से मिलाएंगे और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अब उसे जब तक मिलाते रहिए जब तक वो पिघल ना जाए गुड़। और गुड़ पिघलने के बाद इसमें बबल्स आने लगते हैं। ये देखिए, आप भी बबल्स आ रहे हैं। अब ये हमारा पाक रेडी है। गैस को बंद कर दीजिए। और ये देखिए, हमारा पाक तैयार है, रेडी। अब ठंडा हो गया है पाक और ऐसा दिख रहा है। अब इसे कटलेट को हम डेकोरेट करेंगे, सर्व करेंगे। अब इसमें हम कटलेट के ऊपर गुड़ का पाक डाल रहे हैं और इसमें ना ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। इसको ड्राई फ्रूट्स से हम डेकोरेट कर रहे हैं इसको। और क्रीम डालेंगे। अब इसको हम क्रीम से डेकोरेट करेंगे, ये ऑप्शनल है। ये मैं क्रीम से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अब मैं आपको ये एक कटलेट तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए, सॉफ्ट और टेस्टी बना है।